नमस्कार, आप देख रहे देशवा न्यूज, मैं हूं प्राची सिंह। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार आज एनडीए की बैठक हो रही है, जिसमें दो नए डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। बता दें, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी और 6 अन्य मंत्री भी मौजूद होंगे। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल का आज विस्तार बैठक हो रहा है। जी हां, बैठक में बिहार विधानमंडल का सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। मंत्रियों में विभागों का भी बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के बाद सत्ता पक्ष का पहला एक्शन सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ भाजपा के नंदकिशोर यादव ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विधानसभा सचिव को थामा है। नोटिस में कहा गया है कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद वर्तमान अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर अब विश्वास नहीं रहा, इसके लिए फिर से चुनाव किया जाएगा और फिर से नए स्पीकर को लाया जाएगा। जी हां, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। बिहार में एनडीए सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक है। बैठक शुरू होने से पहले ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट की बैठक में आए। बिहार में नई सरकार गठन होने के बाद एक दिन पहले ही शपथ ली और उसके बाद ही आज पहला बैठक है। जी हां, जानकारी के मुताबिक जिस तरह से सत्ता नहीं चल रही थी, उनके विकास के कार्य में नहीं चल रही थी और इनके हाथ में आने पे फिर से नई सरकार का गठन ही होगा, अलग अलग विभागों का बंटवारा किया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।